हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, चटपटी, मज़ेदार, जो बहुत अच्छा फ्लेवर होता है जिसका, वो है चना चाट। जी गाइस, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, मुझे यकीन है आपको ये बेहद पसंद आएगी। सबसे पहले मैं डिस्प्ले पर आपको सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यूज़ करे हैं वो चाट दिखा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप जो है काबुली चना लिया है। इसको हम फिर अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आप इसको या तो ओवरनाइट सोक कर दें या फिर आप इसको दिन में 7 से 8 घंटे के लिए सोक कर दें। तो हम इसको अच्छे से धोकर अब मैंने इसको सोक करने के लिए रख दिया है। साथ ही में मैं अब इसको इसमें विसल लगाऊंगी। 7 से 8 विसल मैंने लगाई है यहाँ पर। आपको ध्यान ये रखना है, आपको सोडा ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सोडा ऐड करा है। साथ ही में आप इसके 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बीच में जब थोड़ा सा ये टेंडर हो गया था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो ये हमारे हो चुके हैं अच्छे से टेंडर। तो चलिए इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ ड्राई इन्ग्रीडियंट्स लेंगे, जिसमें मैंने लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर लिया है। गाइस, सारी इंग्रेडिएंट्स की लिंक क्वांटिटीज जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। 1 टीस्पून यहाँ मैंने जो है चाट मसाला लिया है, 1 to 2 टीस्पून। साथ ही में मैंने यहाँ पर जो है गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून। अगर आप चाहते हैं, आप इसको और ज़्यादा थोड़ा सा इसमें सावर टेस्ट भी देना चाहते हैं, खटास देना चाहते हैं, तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर काला नमक ऐड करा है। अब हमने पैन रख दिया है। यहाँ पर हमने 2 टीस्पून जो है ऑयल ऐड करा है इसमें। साथ ही मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जो है ज़ीरा ऐड करा है। अच्छे से ये लाइट ब्राउन हो जाए तो आप इसमें, हम इसमें ऐड कर रहे हैं गार्लिक। यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैंने 1/2 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करा है। अब हम इसको 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे अच्छे से। 1 मिनट के बाद जो हमने मसाला ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसमें पानी ऐड करा और उसको फिर हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। गाइस, पानी इसलिए ऐड करा है इसमें हमने कि ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना। अब हम इसको 50 to 60 seconds तक इसको अच्छे से स्टिर करेंगे। साथ ही में मैं अब इसमें जो हमने अपने काबुली चना बॉईल कर रखा था अच्छे से, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इसको स्टिर करेंगे। हमें स्टिर इतना करना है कि ताकि जो हमारे सारे चने हैं वो अच्छे मसालों में मिक्स हो जाएं। जब तक हम इसको स्टिर करेंगे, तो ये स्टिर हो गया। लो फ्लेम पर हमने करा था। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसमें अभी कुछ मेजीज मिलाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर चॉप अनियन मिलाई है, कट करके जो है वो इसमें ऐड करी है। साथ ही मैंने 1/2 टमाटर को चॉप करा है अच्छे से, और मैंने कुछ मिंट लीव्स को चॉप करा है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर कैचअप ऐड करेंगे। मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑफ कैचअप ऐड करा है, और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, है ना कितनी सिंपल ये रेसिपी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाएं, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। एंड इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड अपने रिव्यूज़ जो है कॉमेंट बॉक्स में शेयर करें। 1/2 मैंने उस टाइम ऐड करी थी, 1/2 मैंने अब ऐड करी है। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट आप टेस्ट एज रिक्वायर्ड आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
तो ये देखिए हमने ही कर ली इसकी फाइनल प्लेटिंग। आई होप गाइज ये आपको अच्छी लगी हो। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आप स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। मैं रमज़ान में और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगी। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।